नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी कृत जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें संकलित नागमती वियोग खंड से पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें जो राजा रतन सेन है, चित्तौड़ का राजा, उसकी पत्नी नागमती विरह वेदना से व्याकुल हो रही है और 12 मासा के अंतर्गत सभी महीनों में किस प्रकार से नागमती का जो विरह वेदना है, विरह वेदना है, उसको प्रकट जायसी जी ने किया है, तो उसको हम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम कार्तिक माह में जो नागमती के विरह वेदना है उसका वर्णन हम करने वाले हैं, किस प्रकार से कार्तिक का महीना वह नागमती को जो है दुखी कर रहा है, विरह वेदना से व्याकुल कर रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं ये पद। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरे जारी, 14 करा चांद पर गासा, जन उजरे सब धरती अकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कह चंद भयउ मोहि राहु। चहुखंड लागे अंधियारा, जो गर नाही कंत पियारा, अबहु निठुर आय एहि बारा, पर्व देवारी होय संसारा, सकी झुमक गावे अंग मोरी, हो जुरावे बिचुरी मोरी जोरी, जेहि गर पियु सो मनोरथ पूजा, सो कह बिरह स्वति दुख दूजा, सकी माने तिहु हार सब, गाय देवारी खेली, हो को गावो कंत बिनु, रही चार सिर मेली, रही चार सिर मेली। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत अवतरण कवि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ऐसा लिखेंगे। और इस अंश में, इस पद में, इस पद्यांश में कवि जायसी जी ने कार्तिक मास में होने वाले नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। नागमती की विरह वर्णन है वो इसमें किया गया है, कार्तिक मास में किस प्रकार से नागमती दुखी होती है। उनके प्रियतम राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, वह सिंगल द्वीप में पद्मावती को प्राप्त करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो नागमती उनकी पहली पत्नी है और हीरामन तोता है, वह पद्मावती के सौंदर्य का बखान रतन सेन के सम्मुख करता है, जिससे राजा रतन सेन है वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप चले जाते हैं और पीछे से जो है नागमती उनके वियोग में जो व्याकुल रहती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए अब इस पद की व्याख्या। देखिए, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरही जारी, अर्थात कार्तिक चंद सर नागमती कहती है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक का महीना आ गया है और कार्तिक के महीने में शरद चंद उजियारी, शरद ऋतु का, चंद मने चंद्रमा, उजियारी मने उज्जवल प्रकाश कर रहा है। कार्तिक नागमती कहती है, नागमती विरह से व्याकुल होकर कह रही है कि कार्तिक का महीना आ गया है और इस समय शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वो अपने उज्ज्वल प्रकाश को बिखेर रहा है, छिटक रहा है, चांदनी उज्ज्वल प्रकाश जो चांदनी है वो चारों तरफ बिखर रही है, छिटक रही है। जग शीतल हो बिरहे जारी, सारा संसार, जग मने संसार, शीतल मने शीतलता को प्राप्त कर रहा है, सारे संसार में शीतलता व्याप्त हो रही है। और हो बिरही जारी, हो मने मैं, हो शब्द का अर्थ होता है मैं, बिरही मने विरह वेदना के कारण, जारी मने जल रही हूँ, विरह के दाह से जल रही हूँ। तो यहाँ पर नागमती को वो जो वियोग पक्ष में यही चांदनी रात है वो चुभन देने वाली है, कष्ट देने वाली है, ये मैंने बता दिया। विप्रलभ जब श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, वियोग में जो नायिका है उसको जो प्राकृतिक अवधान या उपाधान जो होते हैं, जो संयोग में अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, और वहीं जो प्राकृतिक उपादान है वो वियोग के समय कष्टकारी बनते हैं। तो इसीलिए जो चांदनी रात है उन सखियों के लिए तो अच्छी है, जिनके प्रियतम उनके पास हैं उनके लिए चांदनी रात सुहावनी है, अच्छी है, सुख देने वाली है, लेकिन नागमती के प्रिय
प्रियतम है वो उनके पास नहीं है, इस कारण से यही चांदनी रात है उसके लिए कष्टकारी बनी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए कि कार्तिक के शरद चंद्र उजियारी, कार्तिक के महीने में शरद ऋतु का चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहा है और जग शीतल, सारा संसार शीतलता को प्राप्त कर रहा है या सारा संसार वो शीतल हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये विरह को जलाने वाला हूँ। विरही जारी, मैं तो विरह में जल रही हूँ, विरह की दाह में जल रही हूँ। चौदह करा चांद पर गाशा, चौदह करा, करा का अर्थ होता है कला, चौदह कला चंद्रमा की चौदह कला है, तो इसमें बताया चौदह करा चांद पर गाशा, पर गाशा मैंने प्रकाशित करना, तो चंद्रमा है, चांद है वो अपनी चौदह कला से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, चौदह कलाओं से जो प्रकाशित कर रहा है चांद चंद्रमा, वो जनहूँ जरे सब धरती आकाशा, जनहूँ मैंने ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, जनहूँ का अर्थ होता है मानो या फिर ऐसा लगता है, जरे मैंने जलना, सब धरती आकाशा, सारा धरती और आकाश, नागमती कहती है कि वो जो संसार में वह चंद्रमा अपनी चौदह कला से प्रकाश करता है, शीतल प्रकाश करता है, वही प्रकाश को देख करके नागमती को ऐसा लगता है प्यारे विद्यार्थियों जैसे जनहूँ जरे सब धरती आकाशा, चंद्रमा की उज्जवल चांदनी को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई मानो वह धरती और आकाश सब जल रहे हैं, सारे सारी धरती और आकाश चंद्रमा की चांदनी से जल रहे हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार का भाव प्रकट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, शीतल चांदनी है फिर भी धरती और आकाश जली जलती हुई प्रतीत हो रही है, किसको? नागमती को। क्यों? क्योंकि विरह वेदना के कारण, वियोग के कारण चंद्रमा की चांदनी भी नागमती को सारे धरती और आकाश को जलाती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करते हुए पंक्ति समझ में आ गई होगी, जन हूँ जरे सब धरती आकाशा, मानो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश सब जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाहू और सब कहे चंद भयो मोहि राहु, नागमती कहती है प्यारे विद्यार्थियों कि तन मन सेज करे अगिदाहू, ये जो चांदनी रात है, ये चंद्रमा की उज्ज्वल जो प्रकाश है वह मेरे तन, मेरे शरीर को, मन को, सेज मने सैया को, सेज सैया करे अगिदाहू, अग्निदाह करती है, अग्निदाह के समान जला रही है, यानी चंद्रमा की चांदनी है वो मेरे शरीर को, मेरे मन को और सेज को अग्निदाह के समान जला रही है, अग्नि से जला रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, चांदनी रात मेरे शरीर को, मन को और सेज को अग्नि के से जला रही है, अग्निदाह कर रही है। सब कहे चंद भयो मोहि राहु, सब सखियां, सब कहे चंद, सब जिसको चंद्रमा कह रहा है, शीतल चंद्रमा कह रहे हैं, सब सखियाँ जिस चंद्रमा को बड़ा शीतल कह रहे हैं, वहीं मेरे लिए भयो मोहि राहु, भयो मन हो गया है या मेरे लिए, तो वह मोहि मन मेरे लिए राहु, राहु के समान कष्टकारी हो गया है, जो चंद्रमा सबको शीतलता दे रहा है वहीं मेरे लिए राहु के समान कष्टकारी सिद्ध हो गया है। चहूँ खंड लागे अंधिहारा, चहूँ मने चारों, खंड मने खंडों या दीपों, लागे अंधियारा मने लागे मने लगता है, अंधियारा मने अंधेरा, जो घर नाही कंत प्यारा, जो घर पर नाही मने नहीं है, कंत मने प्रियतम, प्यारा मने प्यारे, कि मेरे प्रियतम मेरे घर पर नहीं है, इस कारण मुझे चारों खंडों में अंधेरा लगता है, चारों खंडों चारों दीपों में मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, मेरे घर पर नहीं है, इसलिए मुझे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, भले ही चाहे कितनी चांदनी रात क्यों ना हो, मेरे लिए तो सब अंधकार के समान है। यह वियोग वेदना के कारण ऐसा हो रहा है। आगे नागमती कहती है प्यारे विद्यार्थियों, अबहू निठुर आऊ एही बारा, परब देवारी होय संसारा, अबहू मने अब तो, निठुर मने निष्ठुर क्रूर हृदय वाला, आऊ मने आ जाओ, एही बारा मने इस, बारा मने दिन, यानी इस दिन तो अब तो आ ही जाओ, किस दिन? दीपावली के दिन, कि अब हूँ निठुर आऊ एही बारा, हे निष्ठुर अब तो इस दिन तो घर पर आ जाओ, परब देवारी होई संसारा, परब मने पर्व उत्सव, पर्व देवारी का अर्थ है दीपावली प्यारे विद्यार्थियों, देवारी मने दीपावली, कार्तिक के महीने में दीपावली आ रही है, तो पर्व देवारी मने
पर्व दीपावली हो ये संसारा, सारा संसार मना रहा है, सारे संसार में दीपावली हो रही है, ये इसमें भाव आया है कि सारा संसार है वो दीपावली का पर्व मना रहा है। इसलिए हे निष्ठुर प्रियतम, अब तो इस दिन तो मेरे अपने घर में आ जाओ। और सखी झुमक गावे अंग मोरी, हो जुरा जुरवी हूँ जुरावी बिचुरी मोरी जोरी। देखिए प्यारे विद्यार्थी, नागमती क्या कह रही है कि सखी झमक झुमक गावे अंग मोरी, सखियां हैं, सखी मैंने सखियां सहेलियां, झुमक झुमक राग है प्यारे विद्यार्थी जो दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, तो झुमक राग गा रही है, गावे मैंने गा रही है, अंग मोरी मैंने अंग मरोड़ मरोड़ करके यानी नाच नाच करके जो सखियां हैं वो प्यारे विद्यार्थी झुमक राग गा रही है। क्योंकि क्यों गा रही है, क्योंकि उनके प्रियतम तो उनके पास है, इसीलिए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ दीपावली का पर्व मना रही है। और इस प्रसन्नता में वह झुमक राग है वो अपने अंग को मोड़ मोड़ करके सब सखियां गा रही है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ आ गया समझ में कि सखियां अंग मोड़ मोड़ करके झुमक राग गा रही है। हो जुराव, हो मैंने मैं, हो जुराव का अर्थ हो गया मैं तो झुर रही हूँ अर्थात सूख रही हूँ, विरह वेदना के कारण मैं तो सूख रही हूँ। क्योंकि बिचुरी मोरी जोरी, बिचुरी मने बिछुड़ गई है, मोरी मने मेरी, जोरी मने जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी तो अर्थात मेरे प्रियतम रतन सेन तो मुझसे बिछुड़ गए हैं, इसलिए मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है। इसका कारण मैं तो विरह वेदना के कारण झुर रही हूँ अर्थात सूख रही हूँ। बाकी सखियां तो सब झुमक राग गा रही हैं लेकिन मैं कैसे गाऊं, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं विरह वेदना के कारण सूख रही हूँ क्योंकि मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है। जय ही घर पीयूषो मनोरथ पूजा, मो कहें विरह समति दुख दूजा। देखिए प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ, जय ही मैंने जिसके घर, मैंने घर पर या जिसके घर में पीऊ मैंने प्रियतम होते हैं, सो मनोरथ पूजा उसके सारे मनोरथ इच्छाएं पूजा मन पूर्ण होते हैं। देखिए नागमती कहती है कि जिनके घर में प्रियतम होता है उसके सारे मनोरथ सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। मो कहें विरह समति दुख दूजा। नागमती कहती है कि मो मैंने मेरे लिए तो, कहें मैंने एक, मेरे लिए तो एक दुख क्या है, विरह का है, एक दुख तो विरह वेदना का है, तो दूसरा दुख क्या है, समति दुख दूजा। समति मैंने सोतन, समति का अर्थ हो गया सोत या सोतन। अब सोतन कौन है नागमती की, पद्मावती जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी है, सिंगल द्वीप की, और उसे लेने के लिए, उसे विवाह करने के लिए राजा रतन सिंह चित्तौड़ छोड़ करके सिंगल द्वीप चले गए हैं, इसीलिए नागमती पद्मावती को अपनी सोतन मान रही है। तो ये बता रही है नागमती कि मोक कहें विरह, कि मेरे लिए एक तो विरह का दुख है तो दूसरा दुख मेरी सोतन है, दुख दूजा, दूजा मैंने दूसरा दुख। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, हंस सकते हो, समझ में आ गया होगा। सखी मानती हूँ आ रे सब और गाय देवारी खेली। प्यारे विद्यार्थी इसमें लिखा है सखी माने, सखी मैंने सखियां, माने मैंने मना रही है, त्योहार मैंने त्योहार दीपावली का त्योहार, सब मैंने सारी, कि मेरी सारी सखियां तो त्योहार मना रही है। और गाय देवारी खेली, गाय मैंने गाकर, और देवारी का अर्थ होता है दीपावली, खेली मैंने खेल कर, कि मेरी जो सखियां हैं वो दीपावली के त्यौहार को गाकर और खेल करके बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रही है, क्योंकि उनके तो प्रियतम उनके पास है, इसीलिए वे सब दीपावली पर खूब गाकर खूब खेल करके दीपावली का त्यौहार मना रही है, उत्सव मना रही है। हो का गाऊं कंत बिनु। नागमती कहती है हूं मैंने मैं, क्या गाऊं, का मैंने क्या, गाऊं मैंने गाऊं, कंत मैंने प्रियतम, बिनु मैंने बिना, कि मैं अपने प्रियतम के बिना क्या गाऊं, मेरे लिए तो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे प्रिय के बिना मुझे कोई भी त्यौहार कोई भी उत्सव अच्छा नहीं लगता, मैं किस लिए गाऊं, तो हो का गाऊं कंत बिनु, मैं प्रियतम के बिना कैसे गाऊं। रही छार सिर मेली, रही मैंने रह जाती हूँ,
छार मैंने राख को, सिर मेली मैंने सिर पर रख करके, अर्थात सिर पर मेली का अर्थ हो गया सिर पर रखना, अर्थात छार राख को सिर पर मेल करके रख करके रह जाती हूँ, अर्थात पछता करके रह जाती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो केवल पछता करके रह जाती हूँ, मन महसूस कर रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, मेरे से बहुत दूर चले गए हैं और वो अब तक नहीं लौटे हैं, इसलिए मैं तो पछता करके रह जाती हूँ। मैं कैसे उत्सव को मनाऊँ, कैसे गाऊँ, मैं बड़ी विरह वेदना से दुखी हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा करता हूँ ये सब पद समझ में आ गया होगा कार्तिक के महीने का जो उद्वेग या विरह वेदना है वह किस प्रकार से नागमती को सता रही है। देखिए विशेष वाले पॉइंट में आप देखिए, इसमें विरोधाभास अलंकार कुछ पंक्तियों में जैसे जग शीतल हो विरह जारी, कि सारा संसार तो शीतल है और मैं विरह से जल रही हूँ, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की प्राप्ति हो रही है। और भी पंक्तियाँ जैसे रही छार सिर मेली, अर्थात राख को, जलती हुई राख को सिर पर मेलना, ये भी विरोधाभास अलंकार है, अर्थात पछता करके रह जाना। तो जग शीतल हो भी रह जारी और रही छार सिर मेली में विरोधाभास अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, ये अलंकारों में भाषा अवधि है और छंद कौन सा है, दोवा चौपाई छंद शैली, कड़वक छंद शैली है, ये भी आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है, अर्थात विप्रलम श्रृंगार रस है। ठीक है, ये अभी आप लिख सकते हैं विशेष वाले बिंदु में। और विरह की दशा का भी वर्णन हुआ, उसमें उद्वेग नामक मनोदशा का वर्णन किया गया, चिंता, उद्वेग का चिंता से होता है, उद्वेग नामक विरह मनोदशा का चित्रण किया गया है। उद्वेग नामक विरह दशा का चित्रण, दस दिशाएं हैं विरह की, वियोग की, उसके ये उद्वेग नामक दशा का चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही ये भी लिख सकते हैं कि जाय सिंह जी को त्योहारों का अच्छा ज्ञान था, हिंदू त्योहारों का, इसीलिए उन्होंने दीपावली का जो त्यौहार के उपरांत जो शरद ऋतु है उसके बाद में दीपावली का उल्लेख भी किया है, ये भी आप लिख सकते हैं पंक्ति में। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद देते हैं। अगहन दिवस घटान से बाड़ी, दूबर रेन जाए किम गाड़ी, अब यही बिरह दिवस बाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती, कांपे हिया जनावे सीऊ, तो पे जाए हो ये संग पीऊ, घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गनाऊ, पलटिन बहुरागा जो बिछोये, अब हूँ पिरे भीरे रंग सोई, वज्र अग्नि विरहिणी जारा, सुलगे सुलगे दग दे चारा, ये दुख दग्ध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे बस मंतु, पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरे जरी मुई, तेहिक धुआ हम लाग, तेहिक धुआ हम लाग। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये दोवा और चौपाई छंद से लिए, देखिए अगहन दिवस घटा निशी बाड़ी, देखिए प्रसंग में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश मल्लिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है या अवतरित है। और इसमें जायसी जी ने अगहन कौन सा महीना होता है प्यारे विद्यार्थियों, मार्गशीर्ष महीना, जिसको हम राजस्थान में मिंगसर भी बोलते हैं ना, मिंगसर, ठीक है, तो वो मिंगसर या मार्गशीर्ष का जो महीना है, अगहन का महीना है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया, उसमें किस प्रकार से नागमती की विरह वेदना होती है, बारहमासा का वर्णन चल रहा है। तो अगहन दिवस घटान सी बाड़ी, दूभर रे नि जाए किम काडी, अर्थात अगहन का महीना अर्थात मार्गशीर्ष का महीना आ गया है, नागमती विरह वेदना से व्याकुल होकर कहती है, प्रियतम अगहन का महीना आ गया अर्थात मार्गशीर्ष का महीना आ गया है। अब इसमें क्या होता है, दिवस घटा निसी बाढ़ी, दिवस मन दिन, घटा मन कम हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, निसी बाढ़ी, निसी मन रात्रि, बाढ़ी मन बढ़ गई है, अर्थात दिन तो छोटे हो गए हैं और रातें बढ़ गई है। इस कारण क्या हुआ, अब रात बढ़ गई है तो विरहणी स्त्रियों के लिए यह अत्यंत कष्टकारी हो गई है,
विरह वेदना के लिए वो अत्यधिक कठिन अवस्था है, ये समय है। आप देखिए इसको किस प्रकार से काटा जाए कि दू भर रेन जाए किम गाड़ी, दू भर मने कठिन है, रेनी मने रात्रि, इसके कारण विरह वेदना से व्याकुल नागमती कहती है कि ऐसी जो अवस्था या दिन जो छोटे हो गए रात्रि बड़ी हो गई है, इस प्रकार से ये रात्रि है बड़ी रात्रि किस प्रकार से काटी जाए, दू भर रेनी मने रात्रि बड़ी कठिन हो गई है, जाए किमी गाड़ी, जाए मने जाएंगे, किमी मने कैसे, गाड़ी मने काटी या बिताई, कि किस प्रकार से इस रात्रि को बिताया जाएगा या रात्रि को काटा जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विरह के कारण मेरे लिए तो बहुत अधिक यह कठिन अवस्था हो गई है नागमती के लिए। अब यही विरह दिवस भा राती जरो विरह जस दीपक बाती, नागमती कहती है कि अब यही विरह विरह वेदना के कारण यह दिवस भा राती, दिन भी भा मन हो गया है, राति मन रात के समान, कि मेरे मैं नागमती कहती है कि मैं विरह वेदना के कारण मेरे लिए तो दिन भी रात के समान कष्टकारी हो गए, अर्थात दिन भी रात के समान कष्ट देने वाले हो गए हैं। ठीक है ना, बड़ा कठिन कार्य हो गया। जरो विरह जस दीपक बाती, जरो मन जल रही हूँ, विरह मैंने विरह वेदना में जस मैंने जैसे दीपक बाती, यहाँ पर नागमती कहती है कि मैं विरह वेदना में इस प्रकार से जल रही हूँ जैसे कोई दीपक में बाती जलती है, बत्ती जलती है, उसी प्रकार से मैं विरह वेदना में मेरे प्रिय के विरह वेदना में जल रही हूँ। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कांपे या जनावे सीऊ तो पे जाय हो ये संग पीऊ, अर्थात कांपे मने कांपता है, या मने हृदय, जनावे का अर्थ होता है प्रभाव, सीऊ मने सर्दी या शीत, तो पे मने तभी, तो पे मतलब तभी ये जा सकता है, जाय मने जा सकता है, तो पे का मतलब होता है तभी यह जो मने जा सकता है, जाय मने जा सकता है, हो ये मने होगे, संग मने साथ में, पीऊ मने प्रियतम। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ कि कांपे या जनावे सीऊ, कि सर्दी का प्रभाव शीत के प्रभाव से मेरा हृदय क्या हो रहा है, अत्यधिक कांप रहा है, कांपे या मने कांप रहा है, सर्दी के प्रभाव के कारण मेरा हृदय कांपने लगा है, और तोपे जाए वही संग पीऊ, और ये जो शीत है वो तभी जा सकता है जब मेरे स्वामी मेरे साथ हो। घर घर चीर रचे सब काहू, घर घर चीर, चीर मने वस्त्र, रचे मने सजा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, सब काहू मने सभी कोई या सभी ने, सब काहू का मतलब सभी ने अपने घर में शीत ऋतु से बचने के लिए जो नए नए वस्त्र है वो निकाले जा रहे हैं, सभी के घर में शीत ऋतु से बचने के लिए नए नए वस्त्र निकाले जा रहे हैं। और मोर रूप रंग ले ही का ना हो, लेकिन नागमती कहती है कि मोर मैंने मेरा रूप रंग, मेरा तो रूप रंग श्रृंगार इत्यादि है वो ले ही का मैंने लेकर के चले गए हैं, ना हो मैंने पति, मेरे तो जो रूप रंग श्रृंगार है वो सब का सब मेरे पति अपने साथ ही लेकर के चले गए हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मेरा रूप रंग मेरे पति अपने साथ लेकर के चले गए हैं। पल्लटिन बहुरी गाजो बिछोई और अबहु पीरे पीरे रंग सोई, अर्थात पल्लटी मने फिर से, नय मने नहीं, बहुरा मने फिर से, पल्लटी का मतलब लौटना, नय मने नहीं, और बहुरा का अर्थ होता है फिर से या पुनः। गाजो बिछोई, गा मने गए, जो बिछोई मैंने बिछुड़ करके, कि मेरे प्रियतम जो मेरे से बिछुड़ करके दूर चले गए हैं वे फिर से पलट करके नहीं लौटे हैं, फिर से नहीं आए हैं। अबहू फिरे फिरे सरंग सोई, अब नागमती कह रही है कि अबहू फिरे, अबहू फिरे मैंने अभी भी, अगर फिरे मैंने लौट आए, अगर मेरे प्रियतम अब भी लौट करके आ जाएं, फिरे फिरे शब्द में देखे दो बार आए हैं, पहले फिरे का अर्थ क्या होता है, लौट करके आ जाएं, कि अब भी अगर मेरे प्रियतम लौट करके आ जाएं तो फिरे रंग सोई, फिरे मने फिर से रंग सोई, मने फिर से वही रंग रूप लौट आएगा। नागमती कहती है अगर मेरे प्रियतम अब भी लौट आए तो मेरा वही रंग रूप है सोई, मने वही रूप रंग श्रृंगार वह पुनः लौट आएगा, अर्थात सजती सवरूंगी,
फिर से मैं सुंदर बन जाऊंगी, ये बात कहना चाहती है। अभी तो विरह के कारण वो सूख रही है। अगर यहाँ नागमती आशावान हो कह रही है, आशावादी होकर के कह रही है कि भाई अगर फिर अभी भी वो लौट करके आ जाए तो मेरा फिर से वही रंग रूप श्रृंगार है, वो लौट आएगा। वज्र अग्नि विरहिणी ही है जारा, और सुलगी सुलगी दग दे हुई छारा। अर्थात प्यारे विदे, वज्र अग्नि मैंने वज्र के समान कठोर अग्नि, वज्र के समान कठोर अग्नि। विरहिणी ही है जारा मैंने विरहिणी का ही है मैंने हृदय, जारा मैंने जला रही है कि ये विरह वेदना की जो वज्र के समान कठोर अग्नि है वह उसके हृदय को जला रही है। नागमती स्वयं के लिए कह रही है कि मुझ विरहिणी को ये वज्र के समान विरह की जो कठिन अग्नि है वह मुझे मेरे हृदय को जला रही है। सुलगी सुलगी दग दे हुई जारा, सुलगी सुलगी का अर्थ होता धीरे धीरे या धूं धूं करके जल रही हूँ। दग दे मैंने जल रही हूँ, सुलगी सुलगी मैंने धूं धूं कर धीरे धीरे जल करके हो ही छारा मैंने हो जाऊंगी, छारा मैंने राख भस्म कि मैं तुम्हारा हे प्रियतम मैं तुम्हारी विरह वेदना की अग्नि में धूं धूं कर जल कर राख हो जाऊंगी। और ये दुख दग्धन जाने कंतु और जोबन जन्म करे भस्मंतु। नागमती कहती है प्यारे विद्यार्थियों, ये दुख दग्धन जाने कंतु कि यह जो दुख है और दग्ध मने ये जो दुख और दाह है, ये विरह वेदना का दुख और दाह है, न जाने कंतु न मने नहीं जाने मने जानते हैं, कंतु मने प्रियतम कि मेरे प्रियतम ये दुख और दाह नहीं जानते हैं। और जौवन जन्म करे भस्मंतु, इसीलिए मेरा जो जौवन यानी यौवन है वो यौवन का जो जन्म है करे भस्मंतु मने भस्म हो रहा है, यौवन का जन्म भस्म हो रहा है। अर्थात यौवन का जो सुख के दिन है वे सब के सब राख हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। और पीयूषु बहुत सुंदर यहाँ पर पंक्ति है प्यारे विद्यार्थी, ये दोहा बड़ा सुंदर है और ये पद भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि पीयूषो कयूं संदेशड़ा हे भौरा हे काग, दोहा है ये। पीयूषो कयूं संदेशड़ा, नागमती कहती है कि हे मेरे कोई पथिक, कोई मेरे प्रियतम को जाकर के कहना, कौन से पथिक का यहाँ पर बताया है, भौंरे और काग को, कि हे भौंरा हे काग हे कोवे हे भौंरे हे कोवे, तुम मेरे पीऊ मने प्रियतम सो मने से कहूँ मने कहना संदेश डा मने संदेशा, कि हे भौंरे हे कोवे तुम मेरे प्रियतम रतन सेन को जाकर के एक संदेशा देना। क्या देना, कौन सा संदेशा, कि सो धनी वीर जरी मुई सो मने वह आपकी या तुम्हारी, धनी मैंने पत्नी स्त्री, सो धनी का मतलब तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी, विरही जरी मुई विरह विरह वेदना में जरी मैंने जल करके मुई मैंने मर गई है, कि तुम्हारी पत्नी तुम ये संदेशा देना हे कोवे हे भंवरे, तुम जाकर मेरे प्रियतम को ये संदेशा देना कि तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी विरह वेदना के सहते सहते जल करके मर गई है। और तेहिक धुआं हम लाग, तेहिक मैंने उसी, तेहिक का मतलब हो जाता है उसी, धुआं मैंने धुएं से, हम लाग मैंने हमें, लाग मैंने लगा हुआ है अर्थात लग गया है, अर्थात जो भौंरा और कौवा जो काले रंग के हैं वे वही काला रंग है, उसी का धुआं है, किसका, नागमती के शरीर का काला धुआं हमारे ऊपर लग गया और उसी के कारण हम काले हुए हैं। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है, बहुत मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। जायसी जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है कि अपने प्रियतम को संदेशा देना ये भौंरे ये काग, कि ये जो मेरे पंख कौवे के जो पंख काले हुए हैं, भौंरे का जो काला रंग है वह तुम्हारी पत्नी नागमती की विरह वेदना में जलते जलने के कारण, उसकी अग्नि से विरह अग्नि के कारण जो जली है उसके कारण से हम उसी धुएं से हम काले हुए हैं, ये जाकर के कह देना, तेहिक धुआं हम लाग उसी धुएं से हम काले हुए हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है इस छंद में ऋतु का और बाह्य जो प्रसादन, इन दोनों का विरह उद्दीपन में रूप में चित्रित किया है। साथ ही साथ नायिका की मरण शंका का वर्णन भी यहाँ पर किया गया, किस प्रकार से मरने को आतुर हो गई है, विरह वेदना सहते सहते नायिका को ऐसा लग रहा है कि मरने वाली हूँ। उपमा हेतु प्रेक्षा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा में भी कौन सा है, हेतु प्रेक्षा अलंकार
ठीक है, एतुत प्रेक्षा अलंकार और साथ ही साथ इसमें काव्यलिंग अलंकार है। भाषा अवधि भाषा है और छंद दोहा चौपाई है। रस वियोग विप्रलंब विप्रलंभ श्रृंगार रस, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये रचना काफ़ी बड़ी है प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके जो पाठ आने वाले सब बड़े बड़े पाठ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पद हैं, तो उनमें थोड़ा समय लगेगा, एक एक पाठ थोड़ा लंबा चलेगा। अब हम दो से ज़्यादा व्याख्या करवाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी भी 30-32 मिनट का हो जाएगा ये वीडियो। तो आप दो दो पद ही हम लेकर के हाजिर होंगे, तो दो पद आपको पढ़ने में भी सहूलियत होगी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, ये दोनों पद आप ठीक प्रकार से पढ़ना। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगन दिवस घटानी सी बाड़ी, और ये जो दोहा है बहुत सुंदर दोहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक से इनको पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।